नमस्कार। कन्या राशि फल जनवरी 2022। सबसे पहले पॉइंट आपका रहेगा हेल्थ। हेल्थ में आपको क्या केयर करना है? हेल्थ में आपको अपने हार्ट का केयर करना है, हाई ब्लड प्रेशर का केयर करना है। यदि आप अपने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि प्लेनेटरी सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही है जो आपको आपके हार्ट के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर दबाव लाने की प्रोसेस कर सकती हैं। तो सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है 14 जनवरी तक राशि से चौथे स्थान के अंदर है, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको नया मकान, वाहन लेना, बेचना, कुछ भी करना भी एडवाइजेबल नहीं होगा। 14 जनवरी 2022 को दोपहर में 2:30 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। इसको बोलेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा दोपहर में 2:30 से लेकर सूर्य अस्त तक। तो संक्रांति काल का विशेष महत्व इसलिए है कि संक्रांति काल में हम जो कुछ भी दान पुण्य मंत्र करते हैं, इसका हमको विशेष शुभ फल मिलता है। तो 14 जनवरी 2022 को आप दोपहर में 2:30 से लेकर सूर्य अस्त तक महत्तम अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करें, अपना मंत्र करें, और अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य चलेंगे आपके पंचम स्थान के अंदर, तो आपको खान पान में विशेष केयर करना होगा। पेट में एसिडिक क्रिएशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य जो मेन उग्र ग्रह हैं और सबसे तेज ग्रह है, तो पेट में एसिडिक रिएक्शन बढ़ने की संभावना रहेगी। तो खास करके खान पान में विशेष केयर करना होगा, एसिडिटी पेट के अंदर ज़्यादा ना हो। इस प्रकार से आपको खाना खाने की प्रोबेबिलिटी या वर्कआउट करना चाहिए। तो बिजनेस एंड करियर वाइज क्या है कि बिजनेस करियर भी आपको थोड़ा सा स्लो तो महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर 14 जनवरी तक चौथे स्थान के अंदर जो सूर्य है वो भी बिजनेस और करियर को इफेक्ट करने वाला है। और उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य बदलने के बाद 16 जनवरी को मंगल राशि से चौथे स्थान के अंदर भ्रमण करेंगे, वो भी आपको बिजनेस और करियर के अंदर इफेक्ट करने वाला है। तो कुल मिला के आप ऐसा महसूस करेंगे कि थोड़ा, हालांकि 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा बिजनेस करियर के मामले में। और खास करके जो कोई भी जाता जॉब कर रहे हैं, इनको अपर लेवल से संघर्ष से बचना चाहिए। टेंशन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, आप ज़्यादा वाद विवाद के अंदर अपर लेवल के साथ भिड़ ना जाए, अदरवाइज आपका जॉब लॉस भी हो सकता है। रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, और विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना पड़े उसका भी केयर करना होगा। लव मैटर के कारक जो ग्रह है ये शुक्र है, और शुक्र का जो ट्रांजिट है आपके लिए राशि से चौथे स्थान के अंदर होंगे, जो कि आपको लव मैटर के अंदर सक्सेस देने वाले हैं। और गुरु भी आपकी राशि से 6th हाउस के अंदर हैं, जो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि गुरु वैसे तो अपने स्थान से 12वें स्थान के अंदर है, लेकिन गुरु का जो ट्रांजिट है 6th हाउस के अंदर वो बिजनेस और करियर को इम्प्रूव करने वाला है। यदि आप कुछ आपका कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ऐसा कुछ कार्य है तो अब आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि गुरु अब शतभिषा नक्षत्र में आज से भ्रमण शुरू कर चुके हैं, और गुरु आपके एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले होंगे। कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं, 2 और 3, जिसमें जो चंद्र चलेंगे धनु राशि के अंदर, जो सुख स्थान के चंद्र माने जाते हैं, ये आपको सुख का अनुभूति नहीं करने देंगे। इसमें भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 10, 11, 12, जिसमें चंद्र चलेंगे मेष राशि के अंदर, तो वो चंद्र जो है वो आपका 8वां स्थान का चंद्र माना जाता है, मृत्यु स्थान का चंद्र माना जाता है। मेष का जो चंद्र है ये तारीखों के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो डेट रहेगा 10, 11, 12, और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 20, 21 और 22, जिसमें चंद्र चलेंगे सिंह राशि के अंदर,
वो भी 12वें स्थान के चंद्र है। 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का लेने का आता है तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के क्या कहेंगे, ऐसा इस मंथ का प्रडिक्शन क्या रहेगा कि खास करके जो भी ज़्यादा हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। ये मंथ के अंदर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ भी करना है, लेना बेचना कुछ भी करना है, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं करना है। बिजनेस आपका धीमी गति से बढ़ेगा। लव मैटर में क्वाइट सक्सेस है और जो डेट आपको हमने बताया है वो आपको टेक केयर करना है। तो यदि किसी भी जातक का जन्म 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हुआ है, जिनका जन्म के सूर्य भी कन्या राशि में है, ये जातकों को भी इस प्रेडिक्शन का असर होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो दो प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। श्री गणेश जी, माता जी, हनुमान जी सबका कल्याण करें, ऐसी शुभकामना के साथ जय श्री द्वारकाधीश।